राधे मोस्ट वांटेड भाई, इस फिल्म की बैडनेस और गुडनेस बहुत से लोगों ने यूट्यूब पर बताया है, लेकिन मैं आपको ये सब बताकर बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चलता हूँ अपनी इस फिल्म के कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपको जानना चाहिए। राधे मोस्ट वांटेड भाई फिल्म 2020 में ही रिलीज होने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से इसे टाल दिया गया। जिस फिल्म की फैंस को लंबे समय से इंतजार था, वो फिल्म 2021 में रिलीज कर दी गई। इतने शानदार रिव्यू के साथ उसे देखा गया कि अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो रही है। राधे मोस्ट वांटेड भाई फिल्म सलमान खान की। सलमान खान इस फिल्म में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं, जो कि मुंबई को ड्रग्स के गिरोह से मुक्ति दिलाते हैं, और इन्हीं के साथ दिशा पटानी इस फिल्म में हीरोइन का किरदार निभा रही हैं। जैकी श्रॉफ और गौतम गुलाटी लीड रोल कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा इस फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे हैं, जिसमें रणदीप हुड्डा और सलमान खान की स्कैनिंग भिड़ंत हो जाती है, जो फैंस को काफ़ी पसंद आती है। इसी के साथ इस फिल्म के निर्देशक हैं प्रभु देवा। राधे मोस्ट वांटेड भाई 13 मई 2021 को रिलीज कर दिया गया था। ये राधे मोस्ट वांटेड भाई फिल्म सिनेमा घरों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज की गई है। भाईजान की ये फिल्म लक्ष्मी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और अब तक के सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल फिल्म साबित होने जा रही है। ये फिल्म भारत में पहले ही दिन 108 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। इंडिया में पहला दिन इसे 42 लाख लोगों ने सिनेमा घरों में देखा था, जो कि ये फिल्म काफ़ी लोगों को पसंद आई है, और मुझे लगता है आपको भी ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। राधे मोस्ट वांटेड भाई फिल्म विदेशों में भी खूब देखने को मिला है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया बॉक्स ऑफिस के पास 19 स्क्रीन पर ये फिल्म रिलीज की गई, वहीं न्यूजीलैंड बॉक्स ऑफिस में 26 स्क्रीन पर रिलीज की गई है, और इसी के साथ इसकी फर्स्ट डे की विदेशी कमाई 41.67 लाख है, और दूसरे दिन 55% के ग्रोथ रेट के हिसाब से 64.9 लाख दूसरे दिन की कमाई है। इसी के साथ तीसरे दिन की कमाई 76.5 लाख लगभग है। इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल फिल्म होने जा रही है। सलमान खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यही फिल्म होगी। उम्मीद है आपसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बाय बाय।